शाही पनीर की सब्जी। तो चलिए चलते हैं पूरी रेसिपी की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ शाही पनीर की सब्जी। तो आप बने रहे मेरी रेसिपी में। शाही पनीर में टमाटर और प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, मलाई, तो आप बने रहे। इस सबका पेस्ट बनाना है। तो देखिए, आप हरी मिर्च आदि, लहसुन और प्याज काट लिए हैं। अब इन सबको जो है, काजू है ये करीब 20-22 काजू है, और इन सबको मिक्सी में अभी मैश कर देंगे। तो आप देखिए, ये मैश हो चुकी है। एक मीडियम साइज टमाटर ऐसे भी पीस लेना है। तो ये टमाटर की पेस्ट तैयार है। अब मलाई की पेस्ट बनाना है। तो मलाई भी पिसा चुकी है। तड़का में जीरा, 3 लौंग और 3 इलायची। मलाई गरम हो चुकी है और देसी घी 1 बड़ी चम्मच, तड़के का सामान। अब मैं इसमें पीसी हुई काजू, प्याज, मसाले की पेस्ट डालूंगी और इन्हें भूनते रहना है 5 मिनट तक, जब तक ये मसाले से अच्छी तरह घी न छोड़ने लगे। तो आप सब वीडियो को स्किप ना करें, कृपया पूरी देखें। आपको इसे चलाते रहना है जब तक मसाले से तेल ना छोड़े। तो हमारी मसाले घी छोड़ती है अभी। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डालूंगी और इन्हें भी उसी तरह चलाना है जब तक इनसे भी घी ना छोड़े। तो मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ, बस जितना अपने फैमिली और बच्चों के लिए बनाती हूँ आप सब से शेयर करती हूँ। तो आप सब बने रहें वीडियो में। अब मैं डालूँगी मलाई जो मैं पीसी थी, और इन्हें चलाना है जब तक इनसे भी घी ना छोड़ने लगे। तो आप सब वीडियो में बने रहें। तो हमारे मलाई भी अच्छी तरह घी छोड़ती है। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी नमक, जिन्हें हम सबको हल्का नमकीन पसंद है इसीलिए नमक डाले हैं अपने स्वाद अनुसार। अब मैं इसमें कटी हुई पनीर डाल दूंगी और इन्हें भी 1 से 2 मिनट तक भूनना है इसमें। और ये है शाही पनीर मसाला जो मैं इसमें पूरा डाल दूंगी। अब इसे चलाना है। अब मैं इसमें दूध डालूंगी जो कम आंच पे है, क्योंकि दूध फट जाती है। और आप इसे जब तक दूध में उबाल ना आए आप इसे चलाते रहें, नहीं तो इससे दूध फट जाएगी तो फिर आपकी पनीर टेस्टी नहीं बनेगी। अब मैं आंच को तेज कर देती हूँ और इसे चलाती रहूँगी। तो हमारी दूध में थोड़ी थोड़ी उबाल आना स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारी शाही पनीर बन के तैयार है। तो फिर मिलते हैं ऐसी मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।